नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंच टोस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 4 ब्रेड लिए हैं। अभी हम इन ब्रेड्स को एक एक करके इस तरह से आधा काट लेंगे। ब्रेड्स को आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। सारे ब्रेड्स को हम काट के अलग रख देंगे। फिर हमने 4 अंडे लिए हैं और एक मिक्सिंग बॉल पर इन 4 अंडे को हमने तोड़ के डाला है और इन अंडों में हम अभी मिलाएंगे एक बारीक कटे हुए प्याज, नमक स्वाद अनुसार, 2 बारीक कटे हुए हरे मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर जो ऑप्शनल है और कुछ बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अभी अच्छे से मिला लेंगे। हमारे अंडे का मिक्सचर रेडी है। अभी हम एक पैन पर 1 टेबलस्पून सादा तेल गरम करेंगे और जो ब्रेड हमने काट के रखे थे इन्हें एक एक करके हमारे बनाए हुए अंडे के घोल पर अच्छे से डुबोकर फिर गरम किए हुए तेल पर डाल देंगे। हमें टोस्ट को टेस्टी बनाने के लिए ब्रेड को अंडे के घोल पर अच्छे से भिगोना है। हमें ब्रेड के दोनों साइड को अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि अंडे के कच्चेपन का स्मेल ना रह जाए। मैंने यहाँ पे कम तेल का यूज किया है। आप चाहे तो ब्रेड को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन वाला बेल बटन भी जरूर दबा लीजिए ताकि मेरे हर एक नए रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो आप देख सकते हैं हमारा ब्रेड दोनों तरफ से फ्राई हो चुका है। इन्हें हम अभी एक प्लेट में डाल देंगे। फ्राई करते हुए हम गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। इसी तरह हम बाकी के टोस्ट को भी फ्राई कर लेंगे। मुझे मेरे पुराने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। कभी कभी टोस्ट बनाने के टाइम ब्रेड पर घोल और दूसरे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से लग नहीं पाता है तो उस समय आप ऊपर से थोड़ा सा डाल दीजिएगा। तो हमारा फ्रेंच टोस्ट रेडी टू सर्व है। आप इन्हें गर्मा गर्म चाय के साथ या इवनिंग स्नैक्स पर सर्व कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।